हंटरवाली, अपना मास्क निकाल वरना हंटर की जगह तेरा बैंटर बिगाड़ दूंगा। चल। आदि। आयशा? आयशा, लेकिन तुम ऐसे कैसे, क्यों, लेकिन ये सब करके? आदि, अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अगर तकलीफ थोड़ी सी होगी तो बिल्कुल भी नहीं। गुड, घूम जाओ। पैर, घूम जाओ। शट अप बॉस। लेकिन क्यों घूमो? क्योंकि इस हंटर से तुम्हें 5 बार मारना है। ओ अच्छा। क्यों मारना है 5 बार हंटर से? सर, खालो, आप भी हंटर का स्वाद चख लो। शट अप बॉस। लेकिन क्यों हंटर से क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? वो क्या हुआ ना आदि, आज सुबह जब मैं घर पे थी ना तो मेरे फोन में एक गाना बजा। मैं जोकर जो हमेशा जीतता है, आज का टास्क तुम्हारे लिए आयशा। जाओ जाकर आदित्य को 5 हंटर मारो। आदि, नहीं तो हंटर वाली के हंटर खाओ। अब उस जोकर की बात तो माननी पड़ेगी ना आदि, और तुम्हें 5 बार इस हंटर से मारना पड़ेगा। आयशा जी, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मतलब तुमको किसी का फोन बजा तो इसका मतलब ना कि तुम किसी को भी कुछ भी बजा दोगी। मैं तुम्हारी जान की सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? शक्ति? फिलहाल तो तुम अपनी जान बचाने की भी कोशिश मत करना। आयशा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मैं आ रहा हूँ आशा। सर आप मेरे पीछे छुप जाइए। अच्छा, अब खड़ा है। आप मेरे पीछे छुप जाइए सर। हाँ देखो आशा, तुम मारो। चक्के मारो। थैंक यू आदि, मेरा काम हो गया। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू। तुमको क्या हुआ रे? हमको भी मारा दादा। किधर? इधर उधर, पूछो मत किधर किधर। ए आदित्य, ये क्या हो रहा रे? सर, ये सब कुछ जो जोकर का किया धरा है वही है जो आयशा से ऐसी ऐसी हरकतें करवा रहा है। सर, तुम जोकर को पकड़ने के लिए क्या कर रहा है तुम? सर कर रहा हूँ सर। वो है ना हमारा साइबर एक्सपर्ट बीरबल, उसका फोन भी आया था सर। उसने मुझे बोला कि उसने कोई रास्ता ढूंढा है सर, अब मैं जाकर देखता हूँ। सर मुझे उम्मीद है कि उसने कोई तो रास्ता ढूंढा होगा सर। पढ़ो। एड्रेस मिला? अरे कब से मांग रहा हूँ, दे ही नहीं रही है एड्रेस। दे देना प्रिया। मेरी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हैकर की बात कर रहा हूँ। आदि भैया प्रणाम। पैर वर्मा छुआ कर यार, काम की बात कर। कुछ काम हुआ? एड्रेस मिला? अरे हाँ आदि भैया, हमने उस जोकर की फ्रिक्वेंसी क्रैक कर ली है, हमें उसका एड्रेस मिल गया है आदि भैया। वाह बीरबल वाह, क्या कमाल किया तूने। एड्रेस बता। ये देखिए, टोपी वाला सर्कस। आ रहा हूं मैं तेरा खेल खत्म करने और तेरे सर्कस पे से पर्दा उठाने। इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। हाँ, आदमी अपने रिश्तेदारों के बीच में आता है तो अच्छा तो लगता है। बहुत हंसी आ रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जोकर को पहचानेंगे कैसे, यहाँ तो सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। अरे ये हुई ना बात यार। अरे सर, ये आपके लिए नहीं, गोरिल्ला के लिए। तो तुम्हारा गोरिल्ला एक केला कम खाएगा तो मर जाएगा क्या? यही सवाल गोरिल्ला भी तुझसे पूछना चाहता है। ए, अबे, 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 ये क्या पुलिया है क्या, निकल रहा है बार बार। क्या मुसीबत है यार ये, मतलब क्या करूं, केस सॉल्व करूं कि इसकी बेबी सिटिंग करूं? जाओ यार बोस, जाकर देखो यार, ऐसा ना हो कोई जानवर ऐसे अपना भाई बंधु समझ के पिंजड़े में घसीट ले। चाहो बचाओ यार उन्हें। सर पहले जरा ये गोरिल्ला को जरा हाई बोल दू। गोरिल्ला, गो 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 गोरिल्ला।
क्या हो रहा है बोस? क्या अब तुम्हें मैं पाल पोस के बड़ा करूं? तो उतरो नीचे। अरे आदि 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 हंटर वाली, वाह वाह वाह, आजा आजा आजा, यही यही ये है ना, देख उड़ी वो सर, यही है वो हंटर वाली सर, यही है ना, इसी ने मारा ना ऐसे पीठ पे। अरे बाबरी उबड़ी बाबरी सर, क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, मैं भूल गया यार। जी हम आप लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं? जगन्नाथ मिश्रा, इस सर्कस के मैनेजर, हम ही जान सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस क्यों आई है पर्दा उठाई के? जनरल इंक्वायरी के लिए आए। क्या है आपके यहाँ जानवर वानवर बहुत है ना, तो आप उनकी ढंग से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं, ये पूछने आए थे बस। अरे जानवर जानवर की देखभाल करने के लिए डॉक्टर है, किसी भी जानवर को कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक कर देते हैं पर्दा उठाई के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह हाउ नाइस यार, जानवरों का डॉक्टर भी आपके पास है, मिल सकते हैं उनसे? नहीं मिल सकते, वो एक दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब बाहर गए। वैसे ये कौन है? ये कौन है ये? अरे ये तो हमारी सर्कस की आन बान शान और हमारी दर्शकों की जान, हंटर वाली। इनका शो देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं पर्दा उठाई के। अरे वाह, लेकिन हम तो शहर के होगी भी इनका शो नहीं देख पाए आज तक। क्या हम इनसे मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जब तक इनका मूड नहीं होता ना, किसी से नहीं मिलती पर्दा उठाई के। सर मुझे तो बहुत खराब मूड में मिली थी वो। चल क्या रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर से नहीं मिल सकते, इनसे नहीं मिल सकते, मिल किससे सकते हैं हम? हमसे तो मिल लिया ना। अरे तुमसे मिलके क्या करें, तुमसे मिलने आए क्या हम यहाँ पर? कोई बात नहीं, क्या नाम बताया आपने अपना? मिश्रा। हाँ मिश्रा जी, ऐसा है कि हम ना एक छोटा चक्कर मार के वापस आते हैं, क्या पता तब तक आपकी मैडम के मूड में कुछ परिवर्तन आ जाए, वो हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, होने को क्या नहीं हो सकता, हम चलते हैं। चलना पीछे, क्या देख रहा तू? केला देख। अबे केला तेरे से बड़ा है क्या? माना तू केला केला कर रहा है, केले के लिए आए यहाँ पर क्या? तो आए तो हंटर वाली के लिए, लेकिन उसको तो तू पकड़ नहीं रहा है। अरे क्यों इस मिश्रा की बातें मान रहा है यार, हंटर वाली को अरेस्ट करते हैं और चलते हैं। देख मैं तुझसे ये भी नहीं कह सकता कि अपनी अकल का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जो चीज तेरे पास है ही नहीं उसका इस्तेमाल तू कैसे कर सकता है? देख मानव, उस हंटर वाली के खिलाफ हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, अगर जल्दबाजी में हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो वो जोकर और हंटर वाली दोनों चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए पहले तफ्तीश बाद में एक्शन, अंडरस्टैंड बॉस? यस सर। और मानव तुम दोनों यही रुकोगे, और जैसे ही हंटर वाली से कोई मुलाकात हो मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। ओके सर। ऐसे कैसे यार, हम यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? हम भी तेरे साथ चलेंगे। अबे ओड़े बापड़े, ओड़े बापड़े। मिश्रा जी। जी 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 साहब। बुलाइए अपने हंटर वाली को। नहीं नहीं, वो क्या है कि उनको बहुत अर्जेंट काम था तो इसलिए चली गई पर्दा उठा के। देखा सर, देखा मैंने कहा था ना, इसे ड्यूटी के बीच में ड्यूटी छोड़ के नहीं जाना चाहिए सर, चली गई ना वो हंटर वाली। अरे तो भूख भी कोई चीज होती है यार बॉस, भूख लगी थी मुझे। यहाँ तक के इस एरिया के फल वाले के सारे फल खा गए आप, केले के छिलके तक नहीं छोड़े आपने। करना यार क्या ये सब। अरे यार मानव, तो टाइम पर उठाया कर।
आप क्या करेंगे सर? करना क्या है बॉस, ये तो सो रहा है। अंदर जाते हैं, फोन उठाते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। सर ये क्या बात हुई, जाते निकलते? सर आपको कहना चाहिए मैं अंदर जाता हूँ, मैं मेरा फोन उठाता हूँ, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। जूनियर कौन है? मैं सर। फोन किसे लाना चाहिए? मुझे। तो लाओ। सर सीनियर कौन है? मैं। फोन किसका है? मेरा। तो किसे जाना चाहिए? वो तो चाहिए सर। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब है सर, आप मानव ए देसाई हो सर, मानव ए देसाई द ग्रेट सर। सर दिखा दीजिए दुनिया को कि आप कितने जाबाज हो। बांस है? जाबाज सर? अरे बांस है, बांस लकड़ा, कोई ऐसा फल्ली वल्ली कुछ है, अंदर डंडा डालते हैं और फोन को खींच के निकाल लेते हैं, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डर गए ना सर? क्या बोला बॉस? मैं डर गया, मैं मानव देसाई डर गया। बॉस ये क्या चीज है यार, ऐसे गोरिल्लाओं के साथ बचपन में बहुत खेला हूं मैं। केले छीन के भाग जाते थे, ऐसे हम लोग खेलते थे गेम्स वेम्स ऐसे। अब मैं अंदर जाऊंगा और मैं अपना फोन लेकर आऊंगा और तुम देखो। जाइए सर जाइए। ला रहा हूं सर। फोन के साथ वो केले भी लेके आना ना। सर आराम से जा। तो रोज क्या है मेरा? को फोन कर लेते हैं। हाँ सर। अरे इधर नेटवर्क नहीं आ रहा यार बॉस। है? हादी। अरे यार ये कैसी जगह है, यही टाइम पे नेटवर्क जाना था। क्या है? क्या सर? ये क्या कर रहे हो? मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ सर। यहाँ? सर नेटवर्क कहीं भी कभी भी आ सकता है। अपना काम करो बॉस। सर क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? सर अभी अभी आपने मारा ना। मैंने किसे मारा? सर अभी अभी आपने नीचे ऐसे प्यार से मारा ना। बॉस पहली बात तो मैं तुम्हें मारूंगा क्यों, और मारूंगा तो प्यार से क्यों मारूंगा? एक जोर। ये तो गोरिल्ला है। गोरिल्ला सर? आप तो ये गोरिल्ला के साथ खेलते थे ना बचपन की बात है वो। अब मैं छोड़ दिया खेलना, अब नहीं खेलता मैं इन लोग के साथ, अब नहीं खेलता।
मुंह से तो गोरिल्ला नहीं गोरिल्ली निकली। बॉस हेलो आदि कहाँ है तू? तुझे कब से फोन लगा रहा हूँ मैं। हाँ वो सब ठीक है, वो हंटर वाली यही है आदि, उसे लेके हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। हाँ चल माना सुन वो देखो भाई कोई ताली नहीं बजाएगा, ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है, तारीफ वारीफ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीडिया को कोई नहीं बुलाएगा, फोटो वोटो बाद में खींच लेना है यार। देखो मानव देसाई ने जो कुछ भी किया है ना वो अपने फर्ज के लिए किया है, इट्स माय ड्यूटी। ऐसे दुखी तो बहुत हो रहा होगा ना तू, जिस इंसान को तू आज तक निकम्मा नाकारा समझता आया है, तेरे हिसाब से जो इंसान हमेशा सिर्फ रायता फैलाता है, जो इंसान सिर्फ खाता है लेकिन उसके खाते में कभी कोई केस नहीं आता है, आज उस इंसान ने केस सॉल्व करके दिखा दिया और मुजरिम को अपने साथ लेकर आया है। दुखी तो बहुत हो रहा होगा तू, दुखी तो वो ऊपर वाला होगा तेरे जैसा डिफेक्टिव पीस बनाकर। अरे ये लो लौंडा तो पागल हो गया है यार, कैसी बातें कर रहा है। अरे पगला तो तू गया है, चूंकि हंटर वाई नहीं हंटर वाला है, है? मिश्रा है? क्या मिश्रा जी ओ पर्दा उठाइए ना। हाँ मिश्रा मैनेजर मिश्रा पर्दा उठाए के। अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया? अरे बोलते कैसे, बोलने का मौका दिया, गन रखा था करके पर्दा उठाए के। तो तुम क्यों इस तरह हंटर वाली बनके घूम रहे हो? मैं बताता हूँ, क्योंकि इनके सर्कस में जो हंटर वाली काम करती थी, जैसे गलती से हम अपनी वाली हंटर वाली समझ रहे थे, उसका अचानक से एक दिन इनको फोन गया और बोला कि मिश्रा जी मैं शादी कर रही हूँ और आज के बाद आपके सर्कस में नहीं काम कर पाऊंगी, और अफू चक्कर। और वो कहावत है ना राजकपूर साहब ने कही थी, द शो मस्ट गो ऑन, तो शो तो चालू रखना ही था, वरना लोग आके इन्हें पीट डालते। तो बस हंटर वाली के कपड़े पहनकर खुद हंटर वाली बनकर शो करने लग गए। ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि जब तू इनको लेके वहां से निकला तब मेरे पास एक फोन आया। हेलो आदित्य सर, मैं लंबू बोल रहा हूँ। चौको मत, मेरा ही आदमी था। ये सारी बातें तूने अपने पार्टनर को बताना जरूरी नहीं समझा? सर मुझे भी नहीं बताई। तुम्हें क्यों बताएं यार, तुम्हें आज तक ये पता चला कि रोज तुम जब अपना टिफिन खोलते हो वो खाली क्यों होता है? सर कमाल है। मुझे भी सर। तुझे भरोसा नहीं है मुझ पे? था ना, बहुत भरोसा था कि तुम दोनों मिलके कोई ना कोई कांड जरूर करोगे, इसलिए मैंने डबल प्लान बना कर रखा हुआ था। वैसे मिश्रा जी हमारी वजह से आपको जो ये सब तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आप जा सकते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पर्दा उठाई के। करिए। इस ऑफिसर की वजह से हमारा गोरिल्ला भाग गया। वो गोरिल्ला नहीं गोरिल्ली थी। हाँ तो क्या करें, गोरिल्ला गोरिल्ली क्या करना है? बात ऐसी है कि ये कद काठी से बिल्कुल गोरिल्ला की तरह लगते हैं, तो गोरिल्ला का खाल ओढ़ के इनको गोरिल्ला का आइटम करना है, हम पैसे भी बहुत दिलवा देंगे, इनको करना कुछ नहीं है, बस गोरिल्ला की तरह उछलना है बस। अबे तेरी तुम तो मैं रोक 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 जाता क्या है? चलो चलो अपने काम पे लगो, हम ही खड़े हो जाओ तो आ जाना। सर वो आपको गोरिल्ला बोल के भाग गया, गोरिल्ला? हाँ तो बॉस मुझे सुनाई देता है, मेरी छह की छह इंद्रियां काम कर रही हैं। छह? पर सर मुझे तो सिर्फ पांच ही इंद्रियों के बारे में पता है। मेरी छह हैं, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर सॉरी सर। मैंने असली हंटर वाली अभी भी आजाद घूम रही है और किसी ना किसी को अपना निशाना बनाने वाली है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.